Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aishi Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 23rd July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसका कुछ पर्सनल टेक्निकल रीज़न था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था, बट डोंट वरी, वी आर कंटिन्यू फ्रॉम टुडे, सो डोंट वरी एट ऑल. एंड आगे भी आप कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी, जैसा कि क्वेरी आ रही है काफ़ी स्टूडेंट्स की, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, दे वांट अस टू अपलोड द वीडियो बिफोर 7 o'clock. तो देखिए, हम इस पर बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और अगर जैसे ही पॉसिबल होता है हम इसे प्रोसीड करेंगे. इवन आपको कल से ही जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वीडियो मिल जाएगा. कुछ टेक्निकली हम कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए. वन लाइनर्स या कुछ ऐसा जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रॉफिट हो सके, है ना. तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और जल्दी हम वीडियो डाल देंगे. कल से रेगुलर जो है जल्दी वीडियो डलेगा. सो डोंट स्टॉप लर्निंग, कीप वॉचिंग. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस. आपको पता है न्यूज़ एनालिसिस से पहले वो स्टार्ट करते हैं जो हमारा दिन बनाएगा. सो चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग दैम इज़ व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल. बेसिकली चैलेंजेस देखिए सबकी लाइफ में होते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इवन कई स्टूडेंट्स के लिए जो है स्टडीज़ जो है अपने आप में चैलेंज होता है. तो देखिए, ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो एक ऐसा रास्ता है जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ये आपकी लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है और अगर आप इनको ओवरकम कर लेते हैं, इन सब से ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ का कोई मतलब निकलता है, मीनिंगफुल बन जाती है आपकी लाइफ, है ना. सो जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनको इंटरेस्टिंगली जो है फेस कीजिए जिससे कि आप उसे ओवरकम कर सकें, और ओवरकम करते ही आप यकीन मानिए कि आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रेडी है. ओके, सो इट वाज द कोट ऑफ डे. आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस. तो सबसे पहले तो 11 राजस्थान पुलिसमैन गेट लाइफ टर्म फॉर एक्स रॉयल्स किलिंग. बेसिकली मथुरा हाई कोर्ट ने वेंसडे को 11 पुलिसमैन, जिसके अंदर एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी है, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी है क्योंकि उन्होंने जो एक्स राजा रह चुके हैं, राजा मान सिंह, उनको जो है द टिट्यूलर हेड ऑफ भरतपुर के राजा रह चुके हैं ये, इनको जो है मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था इनके द्वारा. और बेसिकली एंड 7-time लेजिस्लेटर एंड हिज 2 एसोसिएट्स. बेसिकली इन राजा का जो कि मान सिंह है ये राजा, और इसके अलावा इनके 2 एसोसिएट्स को भी मार दिया गया. ये 1985 में हुआ है, ठीक है. गिल्टी ऑफ राइटिंग अगर बात करें तो सेशंस जज साधना रानी ठाकुर ऑल्सो फाउंड द अक्यूज्ड ऑल रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द राजस्थान पुलिस. उन्होंने कहा कि ये जो भी मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं ये सभी राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड मेंबर हैं. एंड आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी गिल्टी ऑफ रायटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स एंड अनलॉफुल असेंबली. देखिए, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि सामने आता है. आप वर्दी में क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या किस चीज़ के लिए कितना डेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है. जैसा कि अभी जो है विकास दुबे और काफ़ी सारे केसेस जो है उसमें सामने आया कि पुलिस ऑफिसर्स जो है और पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनके द्वारा वर्दी के अंदर कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, एक रॉन्ग इमेज कर रहे हैं क्रिएट, किसकी, पुलिस ऑफिशियल्स की, है ना, या एक जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसकी, या हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें उस पर बेस्ड हैं और ये जो आर्टिकल है ये इन पर बेस्ड है. मान सिंह जो है जो कि 64 ईयर्स के रहे हैं जिस समय उनकी डेथ हुई, और उनके 2 एसोसिएट्स थे, इन्हें जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई. ये पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा फेब 21 को 1985 को हुआ, ठीक है. अपने व्हीकल से वो जा रहे थे इलेक्शन रैली के तहत. राजस्थान चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर जो है उनके साथ में थे वो, और उसके बाद में व्हीकल ऑल्सो डैमेज्ड चॉपर कैप्ट एट द साइट ऑफ सीएम
and the independent legislature seeking an eighth term was furious after Congress workers tore his posters. कांग्रेस वर्कर्स ने उनके जो पोस्टर्स हैं उनको टोर अप कर टीयर अप कर दिया, मतलब उन्हें फाड़ दिया गया और उन सब के बाद में वहाँ माहौल गर्माया और उनकी जो है उनको हत्या कर दी गई. और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो 11 पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है. इवन ताउम्र के जेल की सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे किया गया है. सो इट वॉज ऑल अबाउट, देखिए ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली प्रीलिम्स या मेंस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जुडिशियल, अभी कस्टडियल डेथ ले लीजिए या जो विकास दुबे वाला केस है, इन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है. तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके संदर्भ में या उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप उसके आंसर में इस जो है ये जो एक सीन है, ये जो एक आर्टिकल है, इसे भी लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. क्योंकि एक रॉयल को जो है, या मतलब हम कह सकते हैं राजा को मारना, एक रॉयल को किल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है ना, जो कि पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा किया गया, नो मैटर कब किया गया. अभी वो सभी रिटायर्ड पर्सन्स हैं बट अब उन्हें जो है इस चीज़ की सज़ा दी गई है. तो समवेयर आई कैन से लेट ही सही, लेकिन जजमेंट या हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा तो हुआ, तो जो मतलब जस्टिस तो हुआ एटलीस्ट, ये इस आर्टिकल पर बेस्ड है. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी डिफेक्शन बेस्ड. ओके, एंटी डिफेक्शन को लेकर काफ़ी अभी चर्चा में है राजस्थान पुलिस. राजस्थान पुलिस जो है, सॉरी राजस्थान सरकार, हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो राजस्थान स्पीकर्स की प्ली सुनेंगे, एंड जो कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट लगाई गई है, जो प्ली चार्ज की गई है हाई कोर्ट के अगेंस्ट, उसको आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हियरिंग है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. ही हैज़ चैलेंज डिफरिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पायलट कैंप के अगेंस्ट जो है एंटी डिफेक्शन को लेकर जो है प्रोसीड किया था उसने, उसकी सुनवाई आज होगी. और सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा इज शेड्यूल्ड टू हेयर ऑन थर्सडे एन अपील फिल्ड बाय राजस्थान स्पीकर्स ऑफिस चैलेंजिंग द स्टेट हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू डिफर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फॉर्मर डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट एंड 18 कांग्रेस एमएलएज टिल जुलाई 24 तक जो है सचिन पायलट और डिप्टी चीफ जो सॉरी डिप्टी सीएम है दैट इज़ सचिन पायलट और उनके 18 कांग्रेस एमएलएज जो हैं ऑफिशियल्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो है ये केस लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो सुनवाई है इस पूरे केस की वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो या राजस्थान स्पीकर के द्वारा जो दी गई है प्ली, उसके तहत सुनवाई होगी. एंड बेसिकली सो व्हाट इज़ द बेसिक थिंग इज और बेसिक केस हेयर, स्पीकर सीपी जोशी मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द राजस्थान हाई कोर्ट. सीपी जोशी जी जो हैं, जो कि स्पीकर हैं राजस्थान के, वो जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है उनका जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर उन्होंने डायरेक्ट करने के लिए दिया है 19 एमएलएज के अगेंस्ट, तो उसके रिप्लाई में 24 जुलाई को जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया है खुद के मैटर को. ठीक है, एससीज इंटरवेंशन इज़ प्री मेच्योर बिकॉज ही इज़ येट टू डिसाइड द इशू ऑफ डिसक्वालिफिकेशन बट हैज़ नॉट ओनली इशूड नोटिस. सुप्रीम कोर्ट इन द किहोटो होलोहन केस स्पेसिफिकली बेयर्ड एनी, बेसिकली देखिए मैं आपको बता देती हूँ मैटर क्या है. ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसीजर अभी देखा गया है कि जो है सचिन पायलट को के बारे में सुनने में आया कि वो पार्टी जो है दल बदल कर रहे हैं या ऐसा कुछ, कांग्रेस से जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो और उनके अन्य जो जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ में, ये सब मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को लीव कर रहे थे या उनके अंदर इस्तीफ़ा दे रहे थे. उसी के तहत जो है जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उन्होंने ये जो है ब्लेम किया है उन्हें कि वो जो है एंटी डिफेक्शन पर बेस्ड मुद्दा है ये. उनका ये कहना है कि वो ये पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जो है पैसे खिलाए हैं.
या उनको जो है इस इन सब चीज़ों के लिए रिवॉर्ड की दिया है बीजेपी ने, तो ये सारा मुद्दा सामने आया है। और उसी के अलावा जो है पार्टी को छोड़ना और अन्य पार्टी को ज्वाइन करने से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन का मुद्दा भी सामने आया है, लेकिन उन पर ये भी जुर्म लगाया गया कि या ये भी ब्लेम किया गया कि वो एंटी डिफेक्शन से संबंधित मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं सचिन पायलट। लेकिन उसी के तहत जो है हाईकोर्ट के अंदर जो फैसला आया था उसको अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। और वो फैसला जो है या इसको लेकर क्लेरिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब आज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इसी पर बेस्ड था। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट कवर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस केस। नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ द एडिटोरियल, ओके। जस्टिस स्लो बट श्योर, देखिए अभी पहला हमने एक जो है पुलिस से रिलेटेड, पुलिस ऑफिशियल से रिलेटेड जो ये आर्टिकल है इसे पढ़ा था, और ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इसी पर बेस्ड है कि कानून तो बिल्कुल जस्टिस तो हुआ है, न्याय हुआ है, लेकिन धीरे ज़रूर हुआ है लेकिन हो गया है ना, तो ये पूरा इसी पर बेस्ड है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो ऑफिशियल जो जिन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है या जो कल्प्रिट्स हैं एक्स रॉयल्स किलिंग केस के अंदर, उनको जिनको पुलिसमैन को अरेस्ट किया गया वो ज़रूर रिटायर हो चुके हैं और अपनी लाइफ टाइम का एक बहुत बड़ा जो टाइम है वो स्पेंड कर चुके हैं लाइफ का, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी ना उम्र कैद के लिए। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसी पर बेस्ड है कि जो ज़रूर है न्याय ज़रूर हुआ है, लेकिन हाँ लेट ही सही लेकिन न्याय ज़रूर हुआ है, उसी पर बेस्ड है। इट इज़ नॉट ओफन दैट पुलिसमैन इन्वॉल्व्ड इन शूटिंग पीपल डेड एंड सीकिंग टू कवर अप द इंसिडेंट एज एन आर्म्ड एनकाउंटर आर कन्विक्टेड फॉर मर्डर, ओके। ये कोई नई बात नहीं है, यूजुअली कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा पुलिस की वर्दी के अंदर जो है अपनी जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए, अपनी उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए एनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। द वर्डिक्ट ऑफ द सेशंस कोर्ट इन मथुरा सेंटेंसिंग 11 पुलिस पर्सनल्स इंक्लूडिंग अ डीएसपी भी इंक्लूडेड है उसमें, है ना, और उन्हें ताउम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये जो पूरा किस्सा है ये बेसिकली राजा मान सिंह जी की हत्या, जो कि एक्स रॉयल हैं या प्रिंसली स्टेट भरतपुर के जो राजा हेड रह चुके हैं, उनकी हत्या के आधार पर ये फैसला दिया गया है, ठीक है। उनकी और उनके दो एसोसिएट्स की हत्या 1985 में कर दी गई थी, उसी को देखते हुए ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। और इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में अदर इंसिडेंट्स को भी बताया गया है जब ऐसी घटनाएं सामने आई है कि पुलिस जो है वो अपने वर्दी के आड़ में एनकाउंटर्स के नाम पे जो है मर्डर्स कर रही थी, तो उसको लेकर के जितने भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इलेक्शन टाइम में राजा मान सिंह का जो मर्डर हुआ है 21 फरवरी को 1985 को, है ना, ये इनिशियली जो है इसे एनकाउंटर का नाम दे दिया गया था। द प्रीवियस डे द टिट्यूलर हैड 7-time इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर हैड अपरेंटली फेल्ट इंसल्टेड ऑन हियरिंग दैट हिज फैमिली फ्लैग हैड बीन डैमेज्ड बाय कांग्रेस सपोर्टर्स। कांग्रेस के सपोर्टर्स द्वारा जो है उनकी फैमिली के जो फ्लैग्स हैं उन्हें डैमेज कर दिया गया, ये सुनकर जो है काफ़ी इंसल्ट फील हुई उनकी फैमिली को उनको, एंड इन अ फिट ऑफ रेज ही ड्रोव हिज जीप इनटू द स्टेज पुट अप फॉर देन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर्स रैली एंड वेंट ऑन टू डैमेज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय द सीएम। ऐसे इल्ज़ाम उन पर लगाए गए थे। द नेक्स्ट डे एज द राजा वॉज ऑन हिज वे टू सरेंडर, जब राजा अपने आप को सरेंडर करने जा रहे थे तभी उनकी जीप के अंदर जो लीडिंग पार्टी डीएसपी है वो आसपास उनके घेरे हुए थे और भी कई लोग थे। आई विटनेसेस सेड दैट दे फायर्ड एट द व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स किलिंग मान सिंह एंड हिज टू एल्डरली एसोसिएट्स। ऐसा जिन लोगों ने आंखों देखी घटना जो बयां करते हैं या जिन्होंने इस बारे में बताया है उनका ये कहना है कि उस समय वो लोग अपने व्हीकल्स पर आए
अपने अपने व्हीकल्स पे और उन्होंने दो एसोसिएट्स और मान सिंह को वहीं पे मार दिया। लेटर टॉप पुलिस ऑफिशियल्स एडमिटेड, उसके बाद जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने जो है द फॉर्मर रूलर वॉज नॉट आर्म्ड, वो आर्म्ड नहीं थे फॉर्मर रूलर जो थे वो। द दैन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आज सी एम माथुर टू स्टेप डाउन, द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी बी आई को जाँच सौंप दी गई और बाद में जो है ये ट्रायल मथुरा में यूपी जो है यूपी मथुरा के तहत ये शिफ्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओके, एंड इट मे नॉट बी नोन इफ़ कांग्रेस लीडर कंस्पायर्ड विद द पुलिस, अगर कांग्रेस लीडर्स जो है वो कंस्पायर्ड नहीं होते पुलिस से तो ये सारा मुद्दा सामने नहीं आता, बट द इंसिडेंट रिमेन अ ब्लॉट ऑन द पार्टीज रिकॉर्ड इन 1980s में पार्टी के रिकॉर्ड में एक ब्लॉट की तरह बनकर रह गया ये पूरा मुद्दा। सो ये पूरी घटनाक्रम जो है, इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद से लेकर अब तक जो है कांग्रेस लीडर्स ने इस पर काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई है और उनके द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के आधार पर ही आज ये फैसला सामने आया है कि उन पुलिस ऑफिशियल्स को आज सजाए जो हम कह सकते हैं ताउम्र जो सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा पे की गई है। ओके, सो फाइनली वी कैन से जस्टिस तो हुआ है, हाँ देर से ही सही लेकिन जस्टिस ज़रूर हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज अनादर फ्रंट, इंडिया एंड भूटान मस्ट हैव कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन डीलिंग विद चाइनाज क्लेम, चाइना के क्लेम को कैसे डील करना है इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इंडिया और भूटान के बीच में होनी चाहिए। फॉर द थर्ड टाइम सिंस अर्ली जून के अंदर जो से लगाकर अब तक जो है तीसरी बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने अगेन ट्यूसडे को रिपीटेडली क्लेम किया है चाइना भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री पर, है ना, और ये एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर चाइना अपना क्लेम कर रहा है। इट्स फर्स्ट क्लेम वाज एट द यूएनडीपी लेड ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस ऑन जून सेकेंड थर्ड को जो जीईएफसी अरेंज हुआ था यूएनडीपी द्वारा जो अरेंज किया गया था दैट इज़ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस, उसके तहत उन्होंने पहली बार इस एरिया को क्लेम किया था। व्हेन द चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स ट्राइड टू स्टॉप फंडिंग दी साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व इन भूटान्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राशी गैंग की जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भूटान का जो एरिया है वो रिजर्व एरिया है, फॉरेस्ट रिजर्व है साक्तेंग का, वहाँ पे चाइना द्वारा जो है फंडिंग की जा रही थी लेकिन चाइना ने रिसेंटली जो है जून के अंदर जो इस फंडिंग को स्टॉप कर दिया। विच एबल्स अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड द क्लेम वॉज सरप्राइजिंग फॉर सेवरल रीजन्स, ये क्लेम जो है कुछ रीजन्स की वजह से काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ। ये रीजन्स क्या थे, चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडेड बाई टू द सेंचुरी एट द जी ई एफ, सेकेंड द राशिगैंग एरिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद चाइना, सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया चाइना के साथ बाउंड्री ही शेयर नहीं करता, है ना। फाइनली whatever the origins of the claim, Chinese officials have not raised the eastern boundary in 24 rounds of talks with Bhutan then begin in 1984. so basically अगर overall हम इस मुद्दे की बात करें तो ये जो भूटान का जो एरिया है जिसको अभी चाइना क्लेम कर रहा है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ भूटान के कुछ एरियाज़ में जहाँ पे फंडिंग की जा रही थी चाइना द्वारा तो वो एरियाज़ जो है चाइना से कहीं लग भी नहीं रहे थे, बॉर्डर जो है शेयर नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उन पर क्लेम करने की कोशिश की गई। फिर जब वहाँ उन्हें लगा कि यहाँ हमारा हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं या यहाँ हमारा बस नहीं चल रहा, उस कंडीशन में उन्होंने ईस्टर्न एरिया जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है वो एरिया को अपना टारगेट किया और अभी एट प्रेजेंट जो है भूटान और चाइना के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि जिस तरीके की सिचुएशंस ऑलरेडी भूटान में अभी चल रही है वो हम लोग कुछ टाइम पहले या इवन अभी तक भी, अगर इनडायरेक्टली मैं बात करूँ तो अभी तक भी इंडिया के साथ में वो डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के। तो ये आर्टिकल बताता है कि अब बारी है इंडिया और भूटान को मिल करके चाइना से इस बारे में, इस मुद्दे पर
वार्तालाप करने की, चर्चा करने की, या अब इसका सामना जो है या इसका जवाब जो है दोनों कंट्रीज़ को मिल करके एक साथ में चाइना को देना होगा. बिकॉज जिस तरह के डिस्प्यूट्स आज क्रिएट हो रहे हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं. जैसा कि अभी हमने देखा कि नेपाल के साथ में भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चले, वो शॉर्ट आउट होने के बाद में जो सामने आया वो आया इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स, जब उनको कोशिश की गई सॉर्ट आउट करने की. इवन अभी भी वो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने के बाद में अब भूटान के साथ में ये डिस्प्यूट सामने आए हैं. तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरत है कि इंडिया और भूटान मिल करके ऐसी प्लानिंग्स करें या ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें जिससे कि वो चाइना के इन सारे क्लेम्स जो चाइना द्वारा पिछले कुछ 2-3 महीनों में लगाए जा रहे हैं उनको फेस आउट कर सके. अब देखिए, चाइना क्यों कर रहा है, पिछले 2-3 महीनों में क्यों क्लेम्स कर रहा है, क्यों उसे लैंड एरियाज चाहिए, और वो भी वो लैंड एरियाज जो डिस्प्यूटेड है या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, इस तरह के जो है तनावों को पैदा करने का क्या रीज़न है चाइना का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया. लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं जो है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो ये पूरा उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से जो है जो भूटान है, भूटान और इंडिया को मिल करके चाइना के क्लेम्स को डील करना होगा. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टैचूज आर डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज. बहुत अच्छा आर्टिकल है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है कहीं ना कहीं. जो स्टैचूज हैं पर्सन्स के, जो स्टैचू हैं उसको रिमूव करने या प्रिजर्व करने का जो जजमेंट है उसके बारे में, उसकी रैली से संबंधित जो जजमेंट आने वाला है उस पर संबंधित बात चल रही है यहाँ पे. ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे जो बड़े बड़े स्टैचूज काफ़ी हद तक जो देखे जा रहे हैं, लगाए जाते हैं, उन सबको हटाने की बात कही जा रही है काफ़ी लोगों द्वारा. लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि उनको हटाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वो जो मूर्ति है वो उनके पूरे जीवन में रहे संघर्ष को दर्शाती है ना. और ये डिसीज़न होना चाहिए कि जिन लोगों का संघर्ष उस स्तर का है, उस लेवल का है, उन लोगों की मूर्ति अवश्य रहनी चाहिए. तो ये उसी पर बेस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैचूज जो है वो हेरिटेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया में. और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टैचूज जो है वो शो करता है इंडिया की हम कह सकते हैं हिस्ट्री को, वाइड हिस्ट्री को, एंड ब्रेव हिस्ट्री को, ब्रेवरी को शो करता है. तो समवेयर कुछ हद तक मैं अगर बात करूं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है. लेकिन कुछ हद तक जो डिस्प्यूट्स के बेसिस पर इनको हटाने की बात कही जा रही है उसका क्या लॉजिक है, आई डोंट नो. तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि अब पहले से लेकर अब तक क्या चीज़ें रही हैं, कैसे एज अ हेरिटेज वर्क किया है ये सारी चीज़ों ने, कैसे लोग उसको अपोज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अपोजिशन देखने को मिल रहा है अगेंस्ट दीज स्टैचूज. इवन नॉट इन इंडिया, हर जगह पे जो है स्टैचूज जो है फ्रीडम फाइटर्स के या अन्य व्यक्तियों के, उनको हटाने की मांग की जा रही है. वहीं इंडिया में जो है इन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है ना. क्योंकि बाहरी इतिहास की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशंस या हम रिफॉर्म्स की बात करें तो वो ग्रुप बेस्ड हैं बाहरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में. लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स के एफ़र्ट्स दिखाई देते हैं. अगर हम हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे इंडिया की तो इंडिविजुअल के एफ़र्ट्स नज़र आते हैं. सो समवेयर हम कितना उन स्टैचूज से रिलेटेड हैं, कितना हम लोग उससे डीपली कनेक्शंस कितना है हमारे, ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं. महात्मा गांधी जी जिनके मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जो है उनके मैक्सिमम स्टैचूज नज़र आएंगे, तो उस पर बेस्ड आर्टिकल है ये पूरा. ठीक है, कि कैसे जो है उनका क्या महत्व है, किस तरीके से जो है उन किन स्टैचूज को हटाना चाहिए, किन स्टैचूज का महत्व है और किन स्टैचूज को रखना चाहिए. तो ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड है कि क्या आधार होने चाहिए जिसके आधार पर कुछ स्टैचूज को रखा जाए, और ऐसे क्या आधार होना चाहिए जिनके आधारों पर उन स्टैचूज को हटा दिया जाए, जिन्हें हटाने की डिमांड की जा रही है. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेटअप हाई कोर्ट इन फॉर पुडुचेरी. पुडुचेरी के लिए जो न्यू हाई कोर्ट सेटअप की बात कही जा रही है उस पर बेस्ड आर्टिकल है. द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हाईलाइट द नीड ऑफ स्ट्रीमलाइन एक्सपेंसेस एंड द केस वॉल्यूम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज फैक्टर्स.
देखिए, एक हाई कोर्ट को स्टैब्लिश करना इट मीन्स एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर बेयर करना, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी सारा एक पूरा सिस्टम स्टैब्लिश होता है हाई कोर्ट को स्टैब्लिश करना, मतलब चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और चाहे आप जुडिशियल या ऑफिशियल्स की, जो भी जुडिशियल ऑफिशियल जुडिशरी है उनके सैलरीज से लेकर के और भी जो अन्य जितनी भी बातें हम कर लें, जितनी भी सेवाएं जो या जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सभी के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए क्या ये ज़रूरी है कि पुडुचेरी में एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाए, और उनके उसके स्टैब्लिशमेंट से लेकर के आगे का क्या सिनेरियो है और कैसे क्या रीजंस हैं, उनके जो साउंड रीजंस हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है, और स्टेटहुड डिमांड के बारे में भी यहाँ बताया गया है, डेटा कंपैरिजन के बारे में बताया गया है कि कैसे अगर अदर कंट्रीज अदर स्टेट्स के साथ में उसके डेटा को कंपेयर किया है, और कब कहाँ पे कैसे जो है स्टेट केसेस सामने आए हैं, नंबर ऑफ केसेस, और नंबर ऑफ केसेस के बेसिस पर जो है हाई कोर्ट के महत्व को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस जगह पे कितना हाई कोर्ट का महत्व है, कितने केसेस सामने आ रहे हैं और कितना हाई कोर्ट प्रेशर देखा जा रहा है, जिस तरह के एक्सपेंडिचर्स बियर कर रही है सरकार हाई कोर्ट्स के, उतने केसेस सॉर्ट आउट हो रहे हैं या नहीं, और उतने केसेस के बेसिस पे क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, उस पर्टिकुलर क्राइम रेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जुडिशियल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जुडिशियल सर्विसेज पर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें उस पर बेस्ड है। और पुडुचेरी में जो हाई कोर्ट सेटअप होने जा रहा है तो उससे रिलेटेड ये पूरे सिचुएशंस को यहाँ पे शो किया गया है। द पुडुचेरी गवर्नमेंट शुड नाउ फॉर्म अ कमिटी, पुडुचेरी गवर्नमेंट को अब एक कमिटी फॉर्म करनी चाहिए जिससे कि वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके, ड्राफ्ट बिल जो है उसकी उसकी तैयारी कर सके एंड उसको फॉरवर्ड कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इन दिस द नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट जनरल एंड द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मस्ट वर्क इन टैंडम। उस सिचुएशन में, उस फ्लो में जो है वहाँ पे सीएम को या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को वर्क करना होगा जिससे कि वहाँ पे जल्दी ही इस कार्य की इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। ठीक है, ये सारा उस पर बेस्ड है। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारा अचीव आई एस आज एडियो मंडला जो कि हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, इसे फॉलो कीजिए क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम स्टफ़ आपको देखने को मिलेगा, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा स्टफ़ आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल। उसके अलावा आप हमारी हमारी वेबसाइट www.achieveis.co.in को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में आप ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so thanks for watching, bye bye, take care, have a great time ahead, see you soon.